आप सभी जानते हैं कि आज 23 मार्च शहीद दिवस है और यहाँ तीन लोग थे, सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत सिंह। इन तीनों का जन्म लगभग 1907-08 के बीच में हुआ और इन तीनों का जीवन, दो का जीवन तो पंजाब से है और एक व्यक्ति महाराष्ट्र से है। इन तीनों का जीवन अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, लेकिन 1924 के बाद ये तीनों साथ साथ में पहुंच जाते हैं। जैसा मैडम ने आपको बताया कि 1919 तक, जब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ, तब तक युवा और भारत के अधिकांश लोग गांधी की मार्ग पर चलकर सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन चोरा चोरी की घटना के बाद आप सभी को पता है कि गांधी ने जो आपका आंदोलन था उसको वापस ले लिया और उसके तुरंत बाद इन लोगों ने भी अपनी राह बदल ली, हिंसा अहिंसा से ये हिंसा की ओर मुड़ गए। इन्होंने सोचा कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम क्रांति के माध्यम से बर्बाद है, और इसी क्रम में भारतीय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा एक संगठन बना जिसे हम जानते हैं HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। इस संगठन के माध्यम से इन्होंने अपने आप को संगठित किया और भारत में इन्होंने अपनी क्रांतिकारी के लिए विभिन्न प्रकार की शाखाएं खोली। उसी क्रम में आपको ध्यान होगा कि 1927 में साइमन आयोग जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के अलग अलग शहरों में गया। इसी क्रम में लाहौर, जो पाकिस्तान वर्तमान में है, वहां पर ही साइमन आयोग गया। तो जब साइमन आयोग गया तो उसका विरोध किया गया। किसके द्वारा विरोध किया गया? भारत के लोगों के द्वारा। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। ऐसी स्थिति में लाहौर में विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय को पंजाब या सिंध क्षेत्र का शेरे पंजाब कहा जाता है। उस व्यक्ति के नेतृत्व में जब आंदोलन चल रहा था तो बर्नी सैंडर्स नाम के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के क्रम में लाठी लाला लाजपत राय के सर पे पड़ी और लाला लाजपत राय घायल हो गए और एक महीने बाद धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928। उसके बाद 17 नवंबर के बाद एक महीना कब होता है 17 दिसंबर 1928। अब जब शेर पंजाब को किसी ने शेर को मार दिया, ये शेर खत्म हो गया, उसका बदला लिया जाएगा ना। तो उसका बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी थे, ये तीनों क्रांतिकारी इस डेट को पहली बार एक साथ मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक घटना घटित होती है जिसे हम सांगर सत्याग्रहण के नाम से जानते हैं। एक आपने रोचक रूप से फिल्मों में देखा होगा और रेल में घटना घटित हुई है कि तीनों लोग थे, ये सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और इसमें चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि यहाँ सामने एक कोतवाल है, थाना है, वहां से ACP सांडर्स बाहर निकलेंगे। तो जैसे अपन एक ड्रामा रचते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत या एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत किसी को खत्म कर देते हैं। तो जयगोपाल था वो साइकिल ठीक करने लगा, जैसे साइकिल पंचर हो गई हो। चंद्रशेखर आजाद बैक सपोर्ट के लिए पीछे दीवार पर खड़े थे, वहां DAV कॉलेज है, तो DAV कॉलेज के बैक सपोर्ट पे इसलिए खड़े थे कि इनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो मैं इन्हें बम से बचा लूंगा। और सुखदेव और भगत सिंह दोनों टहलते वहां बातचीत करते हुए आगे निकल रहे थे। उसी टाइम पर जयगोपाल ने इशारा कर दिया कि सेंडर्स आ रहे थे, तो राजगुरु के द्वारा सीधे जाके ऐसे गोली मार सर पे सांडर्स की, और इधर से भगत सिंह आया और उन्होंने चार गोलियां और मार दी, खेल खत्म। अब आप सोचो, लाहौर जैसा एक शहर, बड़ा शहर जैसे आज कोटा है, जयपुर है, उसी तरह का एक बड़ा शहर आज भी है लाहौर, वहां अगर किसी पुलिस अधीक्षक की ACP की अगर हत्या कर दी जाए तो वहां से क्या ये लोग वापस निकल सकते हैं उस शहर से? सोच के देखो कितना मुश्किल होगा। ये कितना बड़ी घटना अंजाम दे दी गई, क्या उसके बाद ये लोग बाहर निकल सकते हैं? चप्पे चप्पे पे पुलिस पहरा, कड़ी निगरानी, छानबीन, हर चीज को खोल खोल के देखा जा रहा है, ट्रक को, बस को, कार को, रेल को। लेकिन आप उसी टाइम देखो कि सरदार भगत सिंह ने उसका एक पेज रखा है ना, आपने देखा होगा सरदार भगत सिंह को जो पकड़ ना, इससे पहले जो उनका फोटो था वही वो एक सूट में था सरदार के पगड़ी और केश इस तरीके से। तो इन्होंने वहां से ट्रेन से
अंग्रेजों के सामने से निकल के भूप पद्मा और एक क्रांतिकारी महिला थी दुर्गा भाभी, उनको अपनी वाइफ के रूप में उन्होंने साथ में लिया, एक नौकर साथ में लिया और अंग्रेजों की तरह जैसे अंग्रेज व्यवहार करते हैं भारतीयों से, वो अपने नौकर को डांटते पीटते और ऐसे धमकाते हुए स्टेशन में चले गए और उस टाइम वो कानपुर पहुंचा। कानपुर में जाकर फिर HRSI का गठन किया, ठीक है। उसके बाद ये तो बर्नी सैंडर्स वाली बात है, उसके बाद एक बिल आ रहा था दिल्ली असेंबली में, उसका नाम था ग्रेट डिस्प्यूट बिल। मजदूरों के हड़ताल रुक जाती है अगर वो बिल पास होता, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे या किसी भी प्रकार के कोई आंदोलन होते हैं तो उनको सरकार को जल सकती थी, तो इसे विरोध किया जाए, कैसे विरोध करे इसका, ये गलत कानून है। तो इसके लिए सरदार भगत सिंह ने अपने साथ किया मधुकेश्वर दत्त को और ये घटना थी 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 के दिन एक असेंबली है अपन जिस बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस असेंबली के अंदर एक खुली जगह थी, बम होते हैं, बमों के अंदर प्रयोग किया जाता है सिर्फ छर्रों का, उन्होंने छर्रों का प्रयोग नहीं किया, बम फूटता है तो उन छर्रे निकलते हैं उसी से लोग मरते हैं, उन्होंने सीधे बम को फेंका असेंबली में खुली जगह, जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हो या नुकसान हो ही नहीं, और उसके साथ साथ उसमें धुआं निकलता है, 7 से 8 मिनट तक उसमें धुआं निकला, वो जाते तो बहुत अफरा तफरी का माहौल था, उसमें बहुत आराम से निकल सकते थे, बहुत आराम से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर ना निकल के नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लीव रेवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे, इस तरह से उन्होंने वहां पे नारे लगाए और अंत में अपनी गिरफ्तारी दी, कब की, 8 अप्रैल 1929। इसके बाद सरदार भगत सिंह लगभग 2 साल तक जेल में रहते हैं। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जिस रास्ते को उन्होंने गांधी के रास्ते को 1919 में छोड़ दिया था, उस रास्ते को उन्होंने 1929 के बाद वापस पकड़ लिया। आप ये सारी घटनाओं से पूछे तो यही नजर आता है, गांधी से बड़े गांधीवादी के रूप में सरदार भगत सिंह नजर आते हैं 2 सालों में जेल के अंदर। उनके सारे लेटर्स पढ़ी थी, गांधी जी जैसे लेटर लिखते रहते थे, छोटी छोटी पेंसिलों से जब तक घिसनी जाती थी तब तक लिखते रहते थे, वैसे ही सरदार भगत सिंह भी लिखते रहते थे, बहुत सारे लेटर्स होते थे, कोई सिंधी में है, कोई बंगाली में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। और इसी पीरियड में जो रास्ता गांधी अपनाते थे, गांधी क्या कहते थे कि ये मेरी बात नहीं मानोगे, ये काम नहीं होगा, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ या अनशन कर रहा हूँ, गांधी के अनशन अधिकतर चले 23-24 दिन तक, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने जो जेल में इनके लिए जो बर्ताव किया जाता था, इनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता था, भेदभाव वाला बर्ताव किया जाता था और सुविधाएं नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी, खाना अच्छा नहीं था, इसको लेकर इन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। आप सोच सकते हो 64 दिन किसे कहते हैं, यहाँ बताओ गांधी नजर नहीं आ रही इनके अंदर, यहाँ गांधी नजर आ रहा है, उन्होंने वो रास्ता 1929 के बाद छोड़ दिया, क्रांति का रास्ता छोड़ दिया, क्रांति का मतलब है इन्होंने अपने, मैं नास्तिक क्यों हूँ इसमें लिखा है कि क्रांति का मतलब ये है कि आप सतत परिवर्तन की तरफ बढ़ो और वो परिवर्तन हिंसा से नहीं, वो हिंसा से भी आ सकता है और साथ में दूसरे कार्यक्रमों से भी आ सकता है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन। 64 दिन तक ये जेल में लगभग भूखे रहे और 64 दिन बाद इन्होंने, इनकी सारी बातें मान ली गई, इनमें से एक व्यक्ति जतिन प्रसाद की उसमें डेथ भी हो जाती है, लेकिन इन्होंने अपनी बातें मनवाई और जब इनको 1931 में फांसी देने की अंतिम रूप से अक्टूबर 1931 में फैसला हो चुका था लाहौर हाईकोर्ट से, तो इनके पिताजी ने वहां जाके कहा कि सरदार भगत सिंह के पास गए कि आप इस लेटर पे माफीनामे पे साइन करिए, तो भगत सिंह ने मना कर दिया, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं इस चीज को जानते हुए जेल में आया हूं कि मैं किसी भी तरह का ठीक नहीं मांगूंगा, मैं जिस तरह के सिस्टम है इसका विरोध करूंगा, और उन्होंने माफीनामे के ऊपर साइन नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने भी माफीनामे की एक कांग्रेस की तरफ से लेटर भेजा, लॉर्ड एल्गिन के पास भेजा, लॉर्ड एल्गिन से गांधी जी मिले,
गांधी जी की बात इतनी मान सकते थे सुन सकते थे उतनी उन्होंने कहा, लेकिन अंतिम रूप से बात यह थी कि सरदार भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें माफी दे, और दूसरी तरफ उनकी माफी और इससे संबंधित विषयों के ऊपर बहुत सारे घटनाक्रम पूरे देश में होने लगे। तो अंत में ऐसी स्थिति आती है कि उनकी माफी उनकी फांसी होने वाली थी 24 मार्च को, एक दिन पहले दिन क्यों दे दी गई, क्योंकि हंगामा मच था और हो सकता है किसी तरह की और दिक्कत हो सिस्टम। जब सरदार भगत सिंह को अंतिम रूप से फांसी दी जा रही थी, आप सभी ने पिक्चरों में देखा होगा उसी तरह की रियल घटनाएं हैं कि किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है तो उससे पहले उसको 2-3 घंटे पहले बोला जाता है कि आपको फांसी देने वाले हैं। तो उस टाइम वो एक किताब पढ़ रहे थे, उस किताब का नाम था लेनिन की आत्मकथा। लेनिन कौन है? रूस के क्रांतिकारी नेता जिन्होंने रूस में 1917 की रूसी क्रांति करी। तो एक व्यक्ति आता है, पुलिस का हवलदार आता है कि काका तेनू फांसी दी जा रही है, बेगस हो गया। वो कहता है कि मुझे अभी पढ़ना है, मैं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेकिन एक इतना सा डायलॉग बोलने के बाद तो किताब को ऐसे हवा में थोड़ा सा ऊपर फेंकते हैं, किताब नीचे आती है, साइड में रखते हैं और बोले चलो चलते हैं। फिर जो गाना है मेरा रंगे बसंत की चोला, वो सच में गाया गया और बहुत खुशी खुशी बहुत उत्साह के साथ उन्होंने फांसी की सजा को एक्सेप्ट किया। फांसी के फंदे को तीनों लोगों ने चूमा, गले मिले, जो आप लोगों ने देखा है सच बात। अब हम सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव इन तीनों के जीवन से आज हम ये सीख सकते हैं कि ये तीनों बहुत युवा थे और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ जाना, इतना दर्शन साहित्य के बारे में। आज भी अपन पढ़ते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि इतना सब कुछ कैसे जान लिए। तो पढ़ना, जानना और सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात कि किसी भी प्रकार का जो अन्याय हो रहा है आपके साथ उसका प्रतिकार या उसके प्रति आपको आपकी आवाज उठानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की चीजें हमें अपने जीवन में लानी चाहिए, सीखने की, आगे बढ़ने की, जानने की, ताकि इन क्रांतिकारियों के सपनों के लिए जो सपना इन्होंने देखा था उस सपने को हम लोग अपने माध्यम से साकार करें और जो आज हिंदुस्तान है, आज भारत है, उससे और अच्छा भारत बने। धन्यवाद।